जैसा कि आपने पहले कहा कि एक दौर था कि यहाँ हर घर में जो है वो बी का लैंड टेलीफोन हुआ करता था जब मोबाइल फ़ोन नहीं चले थे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंडलाइन फ़ोन घर में रखना चाहते हैं लेकिन बी की खस्ता हाली के कारण मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ था मैंने बी का ब्रॉडबैंड कटवा के, के अभी एयरटेल का लगवाया रीज़न यही है कि ये अपनी प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पा रहे आए दिन मेरे पास एक नंबर आज भी मैं सोचता हूँ बी एस एन एल का मेरे पास एक नंबर है काफ़ी सालों से चल रहा है मैं सोच रहा हूँ कि उसको रखूँ लेकिन जिस तरह से इनके हालात है अब मैंने वो भी डिसाइड किया है कि उसको मैं किसी और कंपनी में पोर्ट कर दूँ रीज़न ये है कि हर दिन आप देखते हैं कि यहाँ हर दूसरे दिन इनका नेटवर्क बंद हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता क्या इनके इंजीनियर नालाइक हैं या यहाँ जो इनके अफिसरान बैठे हुए हैं वो इतने नालाइक हैं वो जो सिफारिश से लगे हुए हैं उनको मैनेज करना ही नहीं आता देखिए एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज़ है ये एक ही जो है गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है और देखिए इसकी ये हालात हैं कि आप गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो गई है कि इंप्लाईज़ को जो है वो इस डिपार्टमेंट से बाहर निकाला जा रहा है रीज़न यही है कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं या तो इनके जो ऑफिसर्स हैं जानबूझकर प्राइवेट कंपनीज से जब पैसा लेते हैं कि उनका इनका नेटवर्क बंद होगा तो प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क चलेंगे क्योंकि देखिए अगर यहाँ प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क बिल्कुल बंद नहीं होते आप एयरटेल लगा लीजिए जियो यहाँ है और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि बी की ऐसी हालात क्यों हैं बी को पूछने वाला कोई नहीं है इतनी बुरी हालात है कि यहाँ इससे पहले आपने देखा एक दौर था कि इस बी एस के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइकें हुई इवन कि बी के बी एस के ऑफिसर्स को पकड़ के थाने में बढ़ा दिया गया क्योंकि वो ऐसा दौर था कि गवर्नमेंट का सारा हमला जो था वो बी एस एन डिपेंड था लेकिन कोई शर्म नहीं आज भी देखिए हर एक दिन मोबाइल चल रहा होता है उनका दूसरे दिन बंद हो जाता है ब्रॉडबैंड देखिए फाइबर जो है बी का भी पुंच में आया हुआ है लेकिन उसकी लोग इतने डरे हुए हैं बी के नाम से कि बी का फाइबर की स्पीड भी अच्छी है लेकिन लोग उसको लगवा ही नहीं रहे क्यों क्योंकि तो बी की पहली सर्विसेज की हालत देखते हुए कि उनका मोबाइल नेटवर्क कैसा है तो इसलिए लोगों ने उन पर भरोसा ही करना छोड़ दिया और मुझे इसमें लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है गवर्नमेंट को ज़रूर इसमें एक इंक्वायरी करवानी चाहिए कि क्यों ये अक्सर ये जो है वो इनका नेटवर्क बंद रहता है क्या रीज़न है इनके ऑफिसर्स के पास कभी जाके पूछो तो वो कहते हैं जी नहीं जी ऐसे यहाँ से कभी फाइबर ब्रेक हो गई जी ये हो गए और भी कोई अगर फाइबर आपकी कोई ब्रेक कर देता है उसके खिलाफ एफ कीजिए इंक्वायरी कराई आज तक इन्होंने कभी एफ आई आर लाज नहीं की कि इनकी कहीं कही ना कहीं ये फाइबर कट गई इनकी ही फाइबर क्यों कट जाती है बाकी की क्यों नहीं कटती ये मिली भगत है ये साजिश है प्राइवेट कंपनीज़ को फ़ायदा देने के लिए शायद बी एस एन एल वाले मेरे हिसाब से तो ये जानबूझ के कर रहे हैं बाकी ये इंक्वायरी का विषय है गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट को मजबूर होकर रब इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मैक्सिमम अपनी जो है वो कंपनी प्राइवेट क्यों कर रहे हैं प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहे हैं क्योंकि इनके लोग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे मुझे चाहिए कि बी इनको चाहिए कि बी इतनी पुरानी कंपनी है उनको चाहिए कि इसको मेनटेन रखें लोगों का आज भी कम से कम जो विश्वास अगर खोया है तो इतना नहीं खोया है कि वापस रिवाइव नहीं कर सकते लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज़ जो है कोई रिवाइव करे